इस समय शाम के लगभग 5:15 बज रहे हैं और मैं जंक्शन से मुक्तिनाथ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। रास्ता तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही कंकड़ीर वाला रास्ता है ये, जरा से भी चूक हुई तो गाड़ी स्लिप हो सकती है। और व्यूज तो आप देख ही रहे हैं, व्यूज भी बहुत जबरदस्त वाले आ रहे हैं। सामने स्नो कवर्ड माउंटेन, स्नो की लेयर चढ़ी हुई है पहाड़ पर, और ये सामने सनसेट हो रहा है, ब्यूटीफुल सनसेट, और थोड़ा थोड़ा बादल भी हैं। इधर बाएं तरफ एक रास्ता निकल रहा है अपर मुस्तांग के लिए, और हमें जाना मुक्तिनाथ तो हमको सीधा ऊपर जाना होगा। लगभग 8 बजे मैं पोखरा से निकला था और बाउलुंग से लेकर जॉनसन तक बहुत लंबी दूरी हम लोगों ने ऑफरोडिंग की है। तो लेकिन अभी रोड सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे चढ़ाई पहाड़ों की, लेकिन उससे तो बेहतर ही है जो ऑफ रोड करके आए हैं, उससे तो बेहतर है। और ये व्यूज तो देखने ही लायक है। यहाँ पे जो भी पहाड़ दिख रहे हैं सब गंजे पहाड़ दिख रहे हैं, हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है इस पर। ये देखो भाई, इस तरह से चढ़ाई है पहाड़ की, यहाँ पर सीधा ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ। क्या शानदार व्यू आ रहा है यार, क्या व्यू है यार, गजब। जवाब नहीं, वहां सामने ऊपर एक सफेद चोटी टाइप की दिख रही है, वो स्नो से कवर्ड एक माउंटेन है और उसके ऊपर हल्के हल्के से बादल भी हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही जबरदस्त। क्या सही लग रहा है यार, क्या व्यू है, दिल खुश हो गया यार। ये व्यू वाओ, पूरी बर्फ नीचे तक आई है। और ये नजारे हैं भाई यहाँ का, स्नो माउंटेन। प्रेम प्रभु का बरस रहा है,
पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे।